तबीयत कैसी है अविरल? अब गाइस अविरल की तबीयत काफ़ी हद तक सही है। आज ये ट्यूशन भी गए थे शाम को, कल नहीं गए थे, लेकिन एक ही दिन में चेहरा देखे नहीं, कैसे कल मैं गया था। कल कहाँ ट्यूशन गए थे? 5 बजे तक गया था मैं। चुप रहो, झूठ ना बोल। सो रही थी। तुम बेहोश थे कल, आज आवाज निकल रही तुम्हारी। देखो 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 ये कैसे खा के चीजें एकदम से यही सोफे पे छिपा देता है। बहुत गलत बात है। बैटरी नहीं सही है ना। तो गाइज अभी जो है हमारा चश्मा तोड़ दिया है विरल ने, और चश्मे के बिना बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी जा रहे हैं हम अपना चश्मा सही कराने। सुनो, आज आपने बोला था मुझे टीका खाने के मैंने, तो मैंने चिप्स लगी एक 10 हज़ार तक का देखे। ठीक है, ठीक तो, और कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। तो अभी हम जो है निकलते हैं। चश्मा मेरा पत्रकारपुरम पे सही मैं होगा। भी चलूं? चलो सही बताओ। चलो अच्छा। देखे तो हम चलते हैं, और अविरल जो है घर में ऐसे ही पूरा कमरा, ये क्या होता है यार, ये कैमरा सेट इसमें नहीं होता, ट्राइपॉड में हमेशा इधर उधर लटकता रहता है। पूरी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही ना। हम पत्रकारपुरम पहुंच चुके हैं, क्योंकि चश्मे के बिना तो काम नहीं चलने वाला है। मोबाइल देखना है, किताब पढ़ना है, कुछ भी है, एक एज के बाद तो चश्मा लगाना ज़रूरी होता है। तो ये पत्रकारपुरम है, आप कई बार हमारे साथ आ चुके हैं। ये ट्यूलिप शॉप है, हम यहीं से अपना चश्मा सही कराते हैं। यही वो शॉप है जहाँ से हम अपना चश्मा हर बार बनवाते हैं। इस बार गलती हो गई, कहीं और से बनवा लिए। I burned out like a wandering ember. I shone bright and my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain. त्योहार की वजह से इतनी भीड़ है कि बता नहीं सकते। अभी तो खैर खुला है, यहाँ पे थोड़ी कम ट्रैफिक है, अंदर मार्केट में तो बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा।
हमें यहीं से टर्न ले लेना है। हम यहीं से टर्न ले लें, अपने घर के रास्ते पे निकल लें सन्नाटे में, नहीं तो जाएंगे फंस। उलझने का टाइम नहीं है मेरे पास। संडे मॉर्निंग है, कल हम अपना चश्मा लेके आए थे, उसके बाद से हमने रात में ब्लॉग का एंड नहीं किया, कुछ काम करने में बिजी हो गए तो फिर थक गए और खाना खा के सो गए, दिमाग में ही नहीं रहा कि हमें ब्लॉग का एंड करना है। फिलहाल कोई बात नहीं, आज कर देंगे। और अविरल अभी खेलने गया हुआ, आर्या सो रही है, हम अभी जस्ट अभी उठे हैं। और अविरल अलार्म लगाया था मेरे मोबाइल में, एक अलार्म पे वो उठ गया और फिर मेरे अलार्म को बंद करके चला गया ताकि मम्मा डिस्टर्ब ना हो, लेकिन फिर भी नींद तो खुली गई थी, लेकिन क्या करते, लेटे हुए थे, कुछ ऐसा काम भी नहीं था, हमें लगा अविरल आ जाए तो फिर कुछ करते हैं, लेकिन फिर अभी तक वो आया नहीं। तो हम उठ गए हैं, अब चलते हैं अपना नहा धो के किचन में। आज कुछ स्पेशल बनाने का सोचा है हमने, अब देखिए बनाते हैं कि नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा आपको दिखा है, बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, चिड़ियों को बोलने की आवाज भी आ रही है। घर तो मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। घर थोड़ा छोटा है लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, आंखों को बड़ी ताजगी मिलती है। तो गाइस देखिए, ये भैया हैं, लाके दूध हैं, रख देते हैं रोज। हम अपने काम में बिजी रहते हैं, बच्चों जैसे अविरल को अगर स्कूल ड्रॉप करने गए हैं तो ये घर के बाहर लाके ऐसे दूध रख देते हैं, हम खाली बॉटल रख देते हैं। इनका दूध बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा होता है। आज संडे का मेरा पहला रूटीन होता है अपने लिए चाय बनाना, ये सिर्फ संडे को हो पाता है। बाकी दिन में तो सारे काम निपटा के जब अविरल को स्कूल ड्रॉप करके आते हैं फिर इत्मीनान से चाय पीते हैं, लेकिन संडे के दिन अक्सर ऐसा होता है कि अविरल बाहर खेलने गया होता है पीछे पार्क में और आर्या सो रही होती है, तो हम अपनी चाय सबसे पहले बनाते हैं, चाय इत्मीनान से बैठ के पी लेते हैं, उसके बाद से ही हम जो है और कोई रूटीन का काम शुरू करते हैं। तो ये हम देखिए अपने लिए बना रहे हैं चाय, हालांकि अविरल की भी बहुत गंदी आदत पड़ गई है, आते ही कहेगा हमें चाय चाहिए, जबकि कुछ और दूध वगैरह है या कुछ और चाहिए लेना चाहिए उसे, लेकिन पहले चाय ही मांगता है। तो चलिए अब चाय बना लें, फिर आपसे मिलते हैं। मेरे आंखों के नीचे ज़्यादा गड्ढा काला हो गया है, क्या स्वेलिंग है क्या आंखों में कि सो के उठे इसलिए लग रहा है। गाइज हम चाय पी ही रहे थे कि अविरल आ गया, और अब इस ब्लॉग को यहीं अविरल के साथ एंड करेंगे और फिर बाकी आज के होल डे को अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तो अविरल सब्सक्राइब करने को बोलो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, उसके बाद एक घंटा रील मत देखो, ब्लॉग देखो। गुड, तो गाइस बाय बाय, सी यू guys, bye bye, see you in next vlog, thanks for watching.